चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सत्ता में काबिज होने के लिए समाज के हर वर्ग को साधने में लगे हैं। प्रदेश सरकार इस बार एक सरकारी योजना के तहत 15,24,000 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को खुश करने के लिए साड़ी, सैंडल, जूता, पानी की बोतल और छाता बांटने जा रही हैं। खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से आदिवासी वोट बैंक को साधने में मदद मिलेगी। जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में साड़ी जूता बांटना शुरू किया जाएगा। प्रदेश के 15.24 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छाते को छोड़कर बाकी सारे उत्पादों की आपूर्ति शुरू हो गई है। इसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक परिवार को एक एक नग जूते, पानी की बोतल और छाता दिया जाएगा, लेकिन साड़ी और सैंडल के मामले में बंदिश नहीं होगी। परिवार में जितनी भी महिलाएं होगी सभी को साड़ी और सैंडल दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 सुरक्षित आदिवासी सीटों में से 31 कांग्रेस जीतने में सफल रही थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी।